सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम क्वेश्चन नंबर 6 तक बना लिए थे लास्ट टाइम, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट दिया है सॉल्व फॉर एक्स। तो चलो मैं फर्स्ट क्वेश्चन उठा लेता हूँ 7 का जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट बोला है सॉल्व फॉर एक्स, सिंपल क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। राइट, अब देखो हमको बोला है एक्स की वैल्यू निकालने और ये इस टाइप की कुछ इक्वेशंस दे दी है। अगेन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक सा है, बस आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को याद रखना, उसी के बेसिस पे है। अब देखो यहाँ पर 7 की पावर 3 अपॉन 7 की पावर x-2 दिया हुआ है, तो क्या ये इस आइडेंटिटी को मैच कर रहा है? ए की पावर m डिवाइडेड बाय ए की पावर n जो होती है ए की पावर m-n, राइट और नॉट, इसकी तरह कुछ मैच करता हुआ दिख रहा है। तो हम यही आइडेंटिटी को वहाँ लगाते हैं, 7 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 7 की पावर x-2। तो यहाँ पर हम ये आइडेंटिटी पुट करते हैं जिसमें ये हो जाएगा हमारा m और ये हो जाएगा पूरा का पूरा हमारा n, राइट। तो ये हमारा फॉर्मूला बनेगा 7 की पावर m विच इज 3 माइनस, अब बाइनोमियल है तो ब्रैकेट लगा लेते हैं, n विच इज x-2 मस्ट बी इक्वल टू 7 की पावर 7, राइट। तो ये हो जाएगा 7 की पावर 3 माइनस x, अगेन माइनस माइनस बिकम्स प्लस 2 मस्ट बी इक्वल टू 7 की पावर 7। तो बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो ये हो जाएगा 7 की पावर, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये जो माइनस साइन है ना वो एक्स का है, तो 3 के सामने कोई भी साइन नहीं है ना, प्लस है, तो प्लस 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 5, 3 प्लस 2 5 माइनस एक्स मस्ट बी इक्वल टू 7 की पावर 7। आपको याद होगा इसके ऊपर वाले क्वेश्चंस में मैंने आपको समझाया था कि अगर बेस सेम है और इक्वल टू की साइन है तो हम उसकी पावर को कंपेयर कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय कंपेयरिंग बोथ साइड, बाय कंपेयरिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा? बाय कंपेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस x मस्ट बी इक्वल टू 7, यानी कि ये पावर, दोनों की पावर को मैंने इक्वेट कर दिया, दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस किया मैंने, राइट। तो ये अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, आप x को इधर शिफ्ट कर दो, 7 को इधर ला लो, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 7 मस्ट बी इक्वल टू x विच इज़ नथिंग बट -2 मस्ट बी इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू आ गया आपका -2, राइट। तो होपफुली समझ में आया होगा, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, एक्स की वैल्यू निकालनी थी तो हमने एक्स की वैल्यू निकाल दी। तो अगेन वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लो, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7th का जो सेकंड है दैट इज होमवर्क फॉर यू, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। यहाँ पर अपॉन में दिया था, यहाँ डिवाइड का साइन डायरेक्टली दिया है, ये डिवाइड का साइन है, तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। अगेन क्वेश्चन नंबर 7th जो है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 7th इज इम्पॉर्टेंट, होमवर्क लिख दिया, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7th इज इम्पॉर्टेंट, तो क्वेश्चन नंबर 7th का सेकेंड आपके लिए होमवर्क रहेगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8th, अगेन क्वेश्चन नंबर 8th ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज़ वी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये अब आपने जितने भी एक्सपोनेंट्स पढ़ा है तो बुक, अब ये जो कॉर्डोवा है ये बुक के हिसाब से अब आपको एक्सपोनेंट्स सॉल्व करना आ जाना चाहिए, चाहे वो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हो, चाहे वो फर्स्ट चैप्टर हो, फर्स्ट एक्सरसाइज हो। तो अब उसी के बेसिस पे आपका 8th क्वेश्चन है जिसको आपको सिंप्लीफाई करना है, काफ़ी सारे टर्म है, हर एक में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स लगाना पड़ता है। तो चलो मैं आपको एक क्वेश्चन इसका सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो 8th का फर्स्ट हम देखते हैं सॉल्व करके पहले, तो 8th का फर्स्ट मैं ले लेता हूँ क्वेश्चन को, तो ये हो गया क्वेश्चन आ गया हमारा। चलो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे कैसे, हमको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब जितना आप इसको
एक्सपोनेंट के हिसाब से या मैथमेटिक्स के बेसिक के हिसाब से आप इसको जितना छोटा कर सकते हो उतना छोटा कर दो। तो देखो हम क्या क्या कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये कॉन्स्टेंट्स कैंसिल हो रहे हैं, तो मैं इसको सबसे पहले कैंसिल कर देता हूँ। 5 1 ज़ा कैंसिल हो रहा है और 5 3 ज़ा 15, तो आप सबसे पहले तो कैंसिल करने का काम कर दीजिए। तो ये कैंसिल हो गया। अगेन ध्यान से अगर आप देख रहे होगे, एक्स की पावर 5 अपॉन एक्स की पावर 3, वाई की पावर -2 अपॉन वाई की पावर -3, जेड की पावर 4 अपॉन जेड की पावर 2। तो ये तीनों ही टर्म क्या इस लॉज को मैच करते हैं, ए की पावर m अपॉन ए की पावर n, जिसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था, दैट इज़ नथिंग बट ए की पावर m माइनस n, राइट। तो इसी प्रॉपर्टी को बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर रहा है, तो यही प्रॉपर्टी हम वहाँ लगाएंगे। तो चलो प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो पहले तो ये कैंसिल हो गया, तो मैं लिखूँगा 3 इंटू एक्स की पावर 5, सॉरी एक्स की पावर 5 अपॉन एक्स की पावर 3 को मैं यहाँ लिखूँगा एक्स की पावर ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एम, एन क्या होता है एम माइनस एन, तो इसको हम लिखेंगे इट इज़ 5 माइनस 3, अगेन मल्टीप्लाई बाय वाई की पावर, अगेन ये एम हो जाएगा विच इज़ -2, एम माइनस एन हो जाएगा आपका -3, राइट, इंटू z की पावर m माइनस एन, तो यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 2। तो देखो ये लॉ लगाना, अगर किसी को इसमें कोई डाउट आ रहा है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि बेटा पहले के लेक्चर एक बार रिवाइज कर लो, क्योंकि उसमें मैंने आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई हैं। अभी सिर्फ हम अप्लाई करना देख रहे हैं कि अप्लाई कैसे करते हैं। इंटू एक्स की पावर 5 माइनस 3, तो बताओ 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2, इंटू वाई की पावर -2, अगेन माइनस माइनस ही हो जाता है +3, इंटू जेड की पावर 4 माइनस 2 हो जाएगा 2। तो हम इसको लिखेंगे 3x स्क्वायर, अच्छा -2 + 3 कितना हो जाएगा 1, तो हम लिखेंगे 3x स्क्वायर वाई की पावर 1 इंटू जेड स्क्वायर विच इज़ योर आंसर। तो ये हो गया सिंप्लीफाई। अब कोई बोलेगा कि इससे छोटा और कर सकते हैं क्या, तो नहीं बेटा इससे छोटा हम और नहीं कर पाएंगे, तो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। तो हम इसको यहाँ तक सिंप्लीफाई कर सकते थे, ठीक। तो होपफुली समझ में आया होगा। इसका एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन इसका और ले लेता हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट इसका सेकंड आप लोग बना लोगे, थर्ड मैं आपको फोर्थ वाला बता देता हूँ, ठीक है। तो सेकेंड एंड थर्ड इज़ योर अगेन होमवर्क क्वेश्चन, तो ये आप लोग बना के आओगे। मैं आपको इसका फोर्थ क्वेश्चन बताता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन हमको दिख रहा है, पहले फोर्थ क्वेश्चन ले लेते हैं। राइट, तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 42x³xy² z³4/16x²y³z8। अब कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वैसे ही जैसे मैंने आपको समझाया था इसके पहले। पहले कैंसिल कर लो, है ना। तो कैंसिल 2 की टेबल से कर लेते हैं, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, राइट, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो ये आ गया 21/8। अब 21/8 तो कैंसिल होगा नहीं, तो हम इसको एज इट इज़ रख लेते हैं 21/8। अब अगेन देखो यहाँ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगेगा, सेम जो इसके पहले क्वेश्चन में बताया था, ए की पावर m अपॉन ए की पावर n होता है ए की पावर m माइनस n। तो यहाँ पर देखो x की पावर 3 अपॉन x की पावर 2, तो ये हो जाएगा x की पावर 3 - 2 m माइनस n, इंटू अगेन y की पावर 2 अपॉन y की पावर 3, तो ये हो जाएगा y की पावर 2 - 3, इंटू अगेन z की पावर 4 अपॉन z की पावर 8, तो ये हो जाएगा z की पावर 4 - 8। तो बताओ ये कितना लिखेंगे इसको, 21/8, राइट, इंटू एक मिनट, हाँ इंटू ये हो जाएगा x की पावर 1 इंटू y की पावर 2 - 3 होता है -1,
इंटू जेड की पावर 4 माइनस 8 होता है आपका -4, तो ये आपका आंसर हो गया। लेकिन इसको और अच्छे वे में लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे 21/8 इंटू एक्स इंटू, अब वाई की पावर -1 को लिख सकते हैं 1/y, इंटू जेड की पावर -4 को लिख सकते हैं 1/z^4, तो ये तो लिखना आता होगा आपको। तो अब हम इसको अच्छे से लिख लेते हैं, इसको हम लिखेंगे 21x/8yz^4, तो दिस मस्ट बी योर आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन आ गया होगा ये अच्छे से समझ में मेरे हिसाब से। तो चलो देखते हैं आगे और कितने क्वेश्चन हैं इसमें। तो इसके 2 बीट आप लोग को मैंने होमवर्क दिया है, तो प्लीज़ घर से उसको बना लेना। अगेन वेरी इजी, 8th की ये 2 क्वेश्चन आप लोग बना के आओगे। ठीक है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन बचा है तो मैं ये आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करवा देता हूँ क्योंकि बहुत ही सिंपल है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 9th मैं आपको होमवर्क देता जा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9th वो सेम क्वेश्चन हमने प्रीवियसली किया है। ए की पावर एम डिवाइड इंटू ए की पावर एन वाला फॉर्मूला लगेगा इंटू ए की पावर एन, तो ये होता है ए की पावर एम प्लस एन, तो ये हो जाएगा ए की पावर क्या बोलते हैं एम विच इज़ पी प्लस वन प्लस एन हो जाएगा पी। तो फिर पावर को इक्वेट करोगे तो आंसर आ जाएगा। मैं आपको एक हिंट तो दे ही देता हूँ, तो इसको आप लिख सकते हो -2 की पावर m p+1 + p, राइट, मस्ट बी इक्वल टू, यानी ए की पावर एम प्लस एन मैंने यहाँ पर लिख दिया, मस्ट बी इक्वल टू -8 है ना बेटा। यहाँ पर ये हिंट आपको देता जा रहा हूँ कि -8 को -2 की पावर 3 हम लिख सकते हैं क्योंकि माइनस का क्यूब माइनस होता है और 2 का क्यूब 8 होता है, तो -8 को -2 का क्यूब लिख सकते हैं। अब जस्ट पावर को इक्वेट कर देना, पी की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने आपको हिंट दे दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग सॉल्व करोगे। ठीक, ऑलमोस्ट 90% सॉल्व कर दिया, बस पी की वैल्यू कंपेयर करके निकालनी है। ठीक है, तो चलो मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम, तो मैं क्वेश्चन नंबर 10 ले लेता हूँ पहले। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं क्या दिया है हमको। हमको m अपॉन n की वैल्यू दी है, इफ़ m अपॉन n इज इक्वल टू दिस होल नंबर फाइंड n अपॉन m की पावर -2। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगेन इट इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं जबकि है ये बहुत ही आसान। देखो क्या दिया हुआ है, m अपॉन n का वैल्यू हमको दिया है दैट इज 3/4 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 3/4 की पावर 3। तो सबसे पहले तो हम आइडेंटिटी लगा देते हैं, ए की पावर एम डिवाइडेड बाय ए की पावर एन, जो आइडेंटिटी होती है ए की पावर एम माइनस एन, राइट। तो ये आइडेंटिटी हम पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा एम अपॉन एन मस्ट बी इक्वल टू 3/4 की पावर 5 - 3। तो करेंगे क्या आ जाएगा बताओ, m अपॉन n मस्ट बी इक्वल टू 3/4 की पावर 5 - 3। अच्छा 5 - 3 कितना हो गया, 2 हो गया। तो देखो बेटा ये हमारा ना m अपॉन n आ गया 3/4, तो इसको ना मैं एक काम करता हूँ, पावर को अंदर ट्रांसफ़र करता हूँ, 3/4 का स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे 3 का स्क्वायर अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे, 3 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा m अपॉन n मस्ट बी इक्वल टू 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 4 का स्क्वायर हो गया 16। तो हमारा फाइनली m अपॉन n आ गया 9/16। हमको क्या बोला था फाइंड करने, n अपॉन m की पावर -2, राइट। तो अब हम पहले क्या करते हैं चेक करो, या एक काम करना इसको मत मल्टीप्लाई करो, देखो इसको ना यहीं तक रहने दो तो थोड़ा इजी ही पड़ेगा मेरे हिसाब से, मैं आपको फिर डायरेक्ट समझा देता हूँ तो यहाँ से आपको जल्दी समझ में आएगा। मेरा m अपॉन n, यहाँ ब्रैकेट लगा देता हूँ मैं, m अपॉन n आ गया 3/4। अब याद रखना हम सेम चीज़ का मल्टीप्लाई दोनों साइड कर सकते हैं, अगर ये m अपॉन n है इज इक्वल टू, इसके पावर में 1 है, अभी इसके पावर में कुछ नहीं है, इसका मतलब इसके पावर में 1 है, मस्ट बी इक्वल टू 3/4 का स्क्वायर,
तो मैं क्या करूंगा ना, मैं जस्ट स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूँ, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगेन क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट बोला था कि यहाँ पर आपको आके दिमाग लगाना पड़ेगा, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि m अपॉन n की पावर 2 हो जाएगी, मस्ट बी इक्वल टू, क्योंकि 2 से, यानी कि स्क्वायरिंग बोथ साइड का मतलब दोनों जगह पावर में 2 से मल्टीप्लाई करना। तो m अपॉन n की पावर 2 मस्ट बी इक्वल टू 3 अपॉन 4 की पावर 2 इंटू 2, क्योंकि एक 2 तो पहले से था, स्क्वायरिंग बोथ साइड करें तो एक 2 और मल्टीप्लाई होगा। तो ये आ जाएगा हमारा m बाय n का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 अपॉन 4 की पावर 2, 2 जा हो जाएगा आपका 4, राइट। लेकिन हमको फाइंड क्या करने बोला था, ये ध्यान दोगे आप लोग सब लोग, फाइंड बोला था n अपॉन m की पावर माइनस 2 और हमारा आ रहा है m अपॉन n की पावर 2। अब आपको मालूम है अगर अंदर के टर्म को हम रेसिप्रोकल करते हैं तो एक्सपोनेंट की साइन बदल जाती है, अगर नेगेटिव रहता है तो पॉजिटिव हो जाता है, सिमिलरली अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर m अपॉन n की पावर 2 है, अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूँ m बाय n को, अगर मैं n अपॉन m लिख दूँ तो ये हो जाएगा n अपॉन n की पावर माइनस 2 मस्ट बी इक्वल टू 3 अपॉन 4 की पावर 4। तो आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेना, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो फिर वो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। एक मिनट, सॉरी टू डिस्टर्ब, हाँ इसको मैंने बोला था कि मल्टीप्लाई कर लोगे तो आंसर आ जाएगा 3 की पावर 4, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यह आ जाएगा 81 अपॉन 4 की पावर 4 हो जाएगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो ये आ जाएगा आपका 256। यानी कि आप फाइनल आंसर बोल सकते हो कि जो आपका n अपॉन m की पावर माइनस 2 है दैट इज़ नथिंग बट 81 अपॉन 256। आप ये भी आंसर बोल सकते हो और आप यहाँ पर ये भी आंसर करके छोड़ सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो डैट इज़ योर आंसर। तो एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही करते हैं, एक एक दो क्वेश्चंस बचे हैं उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करके नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो जितने होमवर्क क्वेश्चंस दिया हूँ कर लेना, तो होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।